IPL 2023 की नीलामी हमें कंप्लीट होते हुए देखने को मिल चुकी है और IPL का ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद अब बारी है हर एक IPL टीम के अपने अपने प्लेइंग 11 को बिल्ड करने की। लेकिन इसी बीच अब BCCI के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है जहां पर अब IPL की नीलामी कंप्लीट होने के बाद हमें ट्रेड विंडो स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। दरअसल इस ट्रेड विंडो के जरिए हर एक IPL टीम को मौका दिया जाएगा कि अगर किसी भी IPL टीम को लगता है कि इस नीलामी में उनसे कोई गलती हो गई है किसी प्लेयर को पिक करके, या फिर उन्होंने किसी ऐसे प्लेयर को पिक कर लिया है जो कि अब उन्हें वर्थ इट नहीं लग रहा है कि ये प्लेयर हमने ज्यादा पैसों में खरीद लिया या फिर किसी प्लेयर को उन्होंने कम पैसों में खरीद लिया, तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन रहने वाला है कि इस ट्रेड विंडो के थ्रू वो उस प्लेयर को किसी दूसरी IPL टीम में ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसे में ये ट्रेड हमें काफी तरीकों से होते हुए देखने को मिल सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी आती है प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड की, जहां पर एक खिलाड़ी के बदले आपको दूसरे खिलाड़ी को दूसरी टीम को देना पड़ेगा और उससे आप लोग एक खिलाड़ी को लेंगे। पैसों में भी हमें ट्रेड विंडो होते हुए देखने को मिल सकती है जहां पर आप किसी खिलाड़ी को दूसरी टीम में भेजेंगे और उसके बदले जो दूसरी IPL की फ्रेंचाइज है वो आप लोगों को उसके बदले में कुछ पैसे देगी। इसके साथ ही ट्रेड विंडो में ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स के नाम हमें देखने को मिले थे जो कि जो लास्ट वाली ट्रेड विंडो हुई थी उसमें ट्रेड है कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो इस ट्रेड विंडो में आप लोगों को वो ट्रेड भी कंप्लीट होते हुए देखने को मिल सकती हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए कौन से प्लेयर्स को आप लोग कहां ट्रेड होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।